हम जानते हैं कि इस संसार में जो भी प्रकट रूप में मौजूद है सबकी एक वाइब्रेशन एनर्जी है। 17 सेकंड को उस सबसे कम समय के रूप में देखा जाता है जब हमारी इच्छाएं वास्तविकता का रूप लेने लगती हैं। मित्रों, 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को दो रूपों में समझा जा सकता है, जिनमें पहली चीज है इन दो संख्याओं यानी 1 और 7 के बीच का अर्थ और दूसरा है इन दोनों संख्याओं का महत्व। मित्रों, 1 का अर्थ स्व से होता है यानी सेल्फ। जब हम स्वयं को जानने की खोज में आगे बढ़ते हैं तो इस संख्या से शुरुआत करना हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचा देता है। ये वो संख्या है जहां से हमारे विचारों का जन्म होता है। ये वो आरंभ है जो अंत तक जरूर जाता है। ये संख्या आपकी संकल्प शक्ति को और भी मजबूत बनाती है और आपकी सफलता को आपके एक कदम और नजदीक ले आती है। इसीलिए 1 और 7 में 1 का ये महत्व ही इस नियम को और शक्तिशाली बना देता है। अब आइए 7 के महत्व को समझें। संख्या 7 आपको भाग दौड़ भरी जिंदगी से बच शांति और स्थिरता की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करती है। आपकी खोज जो स्व यानी सेल्फ से शुरू हुई थी, 7 उस लक्ष्य को पूरा कर आपके जीवन को एक नया अर्थ देता है। मित्रों, 1 और 7 यानी 17 के अर्थ को गहराई से जानने के बाद अब समय है 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर अपने सपनों को पूरा करने के रोड मैप के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आकर्षण का नियम हर पल हर समय हमारे जीवन को आकार दे रहा है। हम अपने विचारों से हमेशा अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं। इससे पहले हमने मैनिफेस्टेशन की और दर्पण तकनीक की बात की थी और इसी श्रृंखला में आज हम सीखने जा रहे हैं 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। जैसा कि आप अब तक जान चुके हैं कि 17 सेकंड वो सबसे कम समय है जहां से हमारे विचार वास्तविकता में बदल कर हमारे जीवन में घटित होने लगते हैं। इसीलिए इसी नियम को ध्यान में रख हम अपने सकारात्मक विचार को 17 सेकंड तक होल्ड करके उस पर पूरे दिल से, अपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से, अपनी पूरी एनर्जी से ध्यान लगाते हैं। हम अपनी सांसों को अपने विचार के साथ अलाइन करते हैं, जोड़ते हैं। अपने विचार को 17 सेकंड्स तक होल्ड करने के बाद ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाई देता है। केवल 17 सेकंड्स तक अपने उस विचार पर ध्यान लगाकर आपने अपनी वाइब्रेशन को अपने लक्ष्य से मैच करने की कोशिश की। लेकिन मित्रों, ये कोशिश केवल 17 सेकंड्स में खत्म नहीं होती। इसीलिए आइए गहराई से समझते हैं कि इस टेक्निक का सही उपयोग कर कैसे हम अपने लक्ष्य को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं और अपने हर सपने पूरे कर सकते हैं। मित्रों, ये सबसे जरूरी पार्ट है, इसीलिए इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह पर बैठना है जहां आप शांति और सुकून महसूस करें। इससे आप यूनिवर्स की अबंडेंस को फील कर पाएंगे और अपने विचारों को और करीब से महसूस कर पाएंगे। आपकी खोज जो स्व से शुरू हुई थी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगी और ये सब धीरे धीरे होगा। इस नियम की जनक एस्टर हिक्स हमें बताती है कि ये नियम 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और सच्चाई के रूप में हमारे जीवन में साकार होता है। वो 3 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? आइए जानते हैं। पहली प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप पहले 17 सेकंड के लिए अपनी किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस विचार के वाइब्रेशन आपके अंतर्मन से बाहर निकलते हैं। इस समय ये वाइब्रेशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन अब इसका अगला सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब आप अपने इस विचार को बिना किसी भटकाव के अगले 17 सेकंड फिर होल्ड करके रखते हैं तो आपके इस विचार से निकलने वाली वाइब्रेशन और स्ट्रांग हो जाती है और आपकी मजबूत संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर यह आपको पूरी तरह से उस विचार के लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी प्रक्रिया अपने समग्र रूप के साथ उस विचार पर बिना किसी भटकाव के ध्यान लगाकर खुद को लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार करने पर आधारित है। ये अंतिम प्रक्रिया है जब आपका विचार पूरी तरह से आकर्षण के सिद्धांत के साथ जुड़कर आपके जीवन में बदलाव लाने को तैयार हो जाता है। मित्रों, इन 3 स्तरों पर इस टेक्निक के काम करने की तंत्र को समझने के बाद जरूरत है
इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की अगली विधि अपनानी की। अच्छा, अब तक आपने एक शांत जगह पर 17 सेकंड्स के लिए अपने विचारों को होल्ड किया था, लेकिन अब आपको 17 सेकंड्स तक होल्ड करने की यह प्रक्रिया रोज 4 बार एक साथ दोहरानी है। यानी 17 सेकंड्स आपने बिना किसी भटकाव की कंप्लीट किए, अब अगले 17 सेकंड फिर बिना किसी रुकावट के होल्ड कीजिए। इस तरह अब कुल 34 सेकंड्स हो गए हैं। अब फिर 17 सेकंड्स और फिर 17 सेकंड्स। इस तरह मित्रों कुल 68 सेकंड्स आपने उस विचार पर ध्यान लगाया जिसे आप सच्चाई के रूप में अपने जीवन में पाना चाहते हैं। मित्रों, एस्टर हिक्स हमें इन 68 सेकंड्स तक अपने विचार होल्ड करने की शक्ति के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि बिना किसी भटकाव और सेल्फ डाउट या विरोधाभास के केवल 17 सेकंड्स किसी एक विचार पर ध्यान लगाना ठीक उस संतुष्टि के बराबर है जितना आप 2000 घंटों में काम करके पाते हैं। मित्रों, ये टेक्निक सुनने में जितनी आसान लगती है इसे इस्तेमाल करना शुरुआत में आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं आपके लिए नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। जब आप अपने एक विचार पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे तो थोड़ी मुश्किलें आएंगी, जैसे आपको पास्ट की कुछ बातें परेशान करेंगी, कुछ यादें याद आएंगी। आपका कॉन्शियस माइंड आप पर सवाल खड़े करेगा कि ये सब कुछ नहीं होता, मत करो, और भी बहुत सी विरोधाभासी बातें आपको उस विचार पर ध्यान लगाने से रोकेंगी। लेकिन आपको ना केवल 17 सेकंड्स बल्कि 68 सेकंड्स तक बिना अपना ध्यान तोड़े उस विचार पर कॉन्सेंट्रेट करते रहना है। आपको अपनी सेल्फ डॉक्टर्स और सभी ध्यान तोड़ती नकारात्मक बातों से ठीक वैसे ही लड़ना है जैसे एक नाविक अपनी मंजिल को पाने के लिए तूफानों और चट्टानों से लड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और अंत में अपनी मंजिल को पा लेता है। खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वह और कोई नहीं कर सकता। हम सबकी अपनी काबिलियत और खासियत होती है। हम सब अपने आप में खास हैं, क्योंकि हमें उस परम शक्ति ने बनाया है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। अब तक आपने 2 विधियाँ कर ली और अब बारी है अंतिम विधि अपनाने की है अपने विचार को, जिसे अब तक आपने होल्ड किया था उसे विजुअलाइज करने की। जैसा कि आप जान चुके हैं, आपके विचारों को रियलिटी में बदलने के एक फ्यूल के रूप में काम करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या ईंधन के अन्य साधनों की, मित्रों आप में से बहुत से लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि उन्हें विजुअल शेतियोंस में प्रॉब्लम्स आती है। इसका एक कारण यहाँ भी मौजूद है कि आप अपने विचारों को दिल से महसूस नहीं कर पाते, उसके प्रति अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाते, और इसी वजह से जब वो विचार सशक्त रूप से आपके स्व यानी सेल्फ से जुड़ नहीं पाता तो आप उसे विजुअलाइज भी नहीं कर पाते। ऐसा होने पर आपके विचारों के वाइब्रेशन एबंडेंस अब तक भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, कारण कि उनमें उन तस्वीरों का अभाव होता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो आप उस विचार के माध्यम से अपनी जीवन में साकार करना चाहते हैं। इसीलिए मित्रों, अंतिम विधि में आपको केवल इतना भर करना है कि जो विचार आप दिल से महसूस कर रहे हैं, जिन पर आप ध्यान लगा रहे हैं, जिन्हें आप साकार करना चाहते हैं, उन्हें विजुअलाइज भी करना है। यानी मान लीजिए आप अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, तो महसूस कीजिए कि आप इसी वक्त वो सक्सेसफुल इंसान हैं। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो पूरे दिल से खुद को दौलतमंद होने की अनुमति दीजिए। एक दौलतमंद इंसान के रूप में खुद को देखिए और महसूस कीजिए कि अभी इसी समय आप वो दौलतमंद इंसान हैं, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। इसीलिए आप जो भी चाहते हैं उस विचार के अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए उसे विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। मित्रों, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां जरूर करना, जैसे ये पता करने के लिए कि आपके 17 सेकंड्स का पहला साइकिल पूरा हो चुका है या नहीं। आप एक टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे फोन में भी बड़ी आसानी से सेट किया जा सकता है। अगर पहली 17 सेकंड्स में आप किसी भी कारणवश अपने किसी विचार विशेष पर ध्यान लगाने में असमर्थ हुए, यानी आपका ध्यान टूट गया, तो आप फिर से इस प्रक्रिया को दोहराइए, यानी इस साइकिल को फिर से शुरू कीजिए, और ऐसा तब तक कीजिए जब तक आप बिना किसी भटकाव के उस विचार पर कुल 68 सेकंड्स तक
अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर लेते। आप ऐसे विचार चुनिए जिनमें प्यार की भावना हो और जिन्हें आप दिल से महसूस करें। मान लीजिए आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो मन में कहिए कि मैं स्वस्थ हूँ और लगातार और भी ज्यादा स्वस्थ हो रहा हूँ। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ और लगातार और भी ज्यादा स्वस्थ हो रहा हूँ। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। इस तरह से साधारण से सरल शब्दों में अपने विचारों को पिरोइए और 68 सेकंड्स तक बिना किसी विरोधाभास के उनका दोहराव कीजिए। आपकी एकाग्रता और आपकी भावनाओं दोनों आपका साथ देंगी। मित्रों, वाइब्रेशन को रेज कर उन्हें अपने लक्ष्य से मैच करके आकर्षित करने की श्रृंखला में आज हमने जाना 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन तकनीक के बारे में। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए हमें शांति, स्थिरता और प्रकृति के नियमों से जोड़ना पड़ता है। ये सभी टेक्निक आपको इन्हीं से जोड़कर अपने सपनों पर काम करने के लिए आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक ठहराव ला कर देती है। कम से कम इस टेक्निक के कारण आप 68 सेकेंड्स तो उस विचार को महसूस करेंगे जिसे आप दिल से पाना चाहते हैं। और शायद ये तब संभव नहीं होता जब मैं आपको केवल इतना भर कह देता कि आप हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रख आकर्षण की नियम से अपने जीवन को नया आयाम दीजिए।